हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। इससे पहले के जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने आपसे बात की थी पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया था बिहार से चकवाली को कंप्लीट कराने के लिए, उसके लेटर के बारे में बात की थी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने बात की थी उसके बाद ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यानी कि जो दृष्टिबाधित विकलांग है उनको लेकर के जो है रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है बिहार सरकार में या राज्य सरकार में, उसके बारे में भी हमने जो है वीडियो के बारे में बात की थी। और उसमें आपको जो है डिटेल से बताया था कि उनके रजिस्टर पॉलिसी क्या है, उनको किस हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह मिलता है। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो भी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के है, और इस बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर जो ब्लाइंड केस का जो ग्रहण लगा हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस ब्लाइंड केस का बिहार शिक्षक बहाली पे जो है क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो यही है कुल मिला जुला करके बिस ब्लाइंड केस का बहुत ही तगड़ा इफेक्ट आएगा। तो फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कह देते हैं कि जो भी व्यूअर हमारे नए हैं हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं ब्लाइंड केस के बारे में। तो ब्लाइंड केस का जो चल रहा है मैटर पटना हाईकोर्ट में, उसमें जो है ये कहा जा रहा है कि ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है समान जो नौकरी के जो अधिकार हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके आरक्षण रोस्टर पॉइंट्स जो है खिलवाड़ किया गया है। पहले से जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से जो आरक्षण रोस्टर पॉइंट जो है लागू किया गया है उसके हिसाब से उनकी रिक्तियों की संख्या कम है। यानी कि आपको जो है इससे पहले के वीडियो मैंने बताया था कि इनको जो आरक्षण जो मिलता है यानी कि ए बी सी डी चारों ग्रुप की पोस्ट पे, ठीक है, यानी कि ए ग्रेड की पोस्ट हो चाहे बी ग्रेड की पोस्ट हो चाहे सी ग्रेड की पोस्ट हो चाहे डी ग्रेड की पोस्ट हो, तो बिहार राज्य सरकार के माध्यम से इसमें जो है 3% आरक्षण का प्रावधान है और कहीं कहीं जो है 4% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो है टोटल विकलांगों के लिए है, यानी 4% जो है टोटल है, ठीक है, सभी के लिए। अब इसमें क्या होता है कि 1-1% जो है बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो एक रिजर्वेशन पॉलिसी थी जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तब यहां पे बात कर लेते हैं कि इस ब्लाइंड केस में जो डिमांड है, ठीक है, वो कहां तक जायज है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में 94,000 बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो है आवेदन निकाले गए थे, और जो 30,000 की जो बहाली की जो प्रक्रिया चल रही थी जो आपका जो है माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही थी वो उससे भी पहले की थी, ठीक है। और ये केस जो है उसी बहाली प्रक्रिया पे किया गया था, यानी कि 30,000 की जो बहाली हो रही थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की यानी हाई स्कूल और 10+2 लेवल की, उस पर जो है ब्लाइंड का केस किया गया था और उसकी जो है सुनवाई अभी तक हो रही थी, और उसी को क्या किया गया 94,000 शिक्षक बहाली पे भी उस केस को लागू करवा दिया गया। अब ये 94,000 शिक्षक बहाली पे केस जो है लागू कराया गया तो ये जो है बिहार शिक्षा विभाग का जो शपथ पत्र था उसके आधार पर लागू कराया गया, यानी कि जानबूझ करके जो है बिहार शिक्षक बहाली जो 94,000 वाली थी उसको जानबूझ करके उस केस से अटैच किया गया ताकि इसमें जो है कुछ और समय बिहार सरकार को जो है मिल सके और ये जो है बहाली स्थगित की जा सके। अब बात कर लेते हैं नफे और नुकसान की कि इससे जो है फायदा क्या होगा। अब ये मान के चलिए कि अगर जो है बिहार शिक्षक बहाली पर जो ये ब्लाइंड केस लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी सुनवाई चल रही है, अगर ये ब्लाइंड केस अभ्यर्थी जो है ये केस जीत जाते हैं तो क्या होगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लाइंड केस अभ्यर्थी अगर ये केस हार जाते हैं तो क्या होगा। देखिए ब्लाइंड केस अभ्यर्थी अगर ये केस जो है हार जाते हैं यानी कि ब्लाइंड केस का जो मैटर है वो अगर खारिज हो जाता है तो जो 94,000 की जो शिक्षक बहाली है वो बिल्कुल जो है तुरंत जो है शुरू हो जाएगी, यानी कि उसमें फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका तुरंत काउंसलिंग डेट आ जाएगा और उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी जो है कर दी जाएगी। यानी कि अगर ये केस खारिज हो जाता है तो पूरी तरीके से ये प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से पुनः जो है चलने लगेगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल या बदलाव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर जो है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित ब्लाइंड केस को अगर ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है, अगर पटना हाई कोर्ट में ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों के पक्ष में अगर फैसला आ जाता है तो क्या होगा। अब देखिए अगर ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ जाता है तो जो रोस्टर है अब उसको जो है कितना परसेंट बढ़ाना है कितना परसेंट जो है घटाना है, घटाना तो नहीं है, कितना परसेंट जो है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 3% 4% तो ऑलरेडी मिलता ही है, अब ये देखना है कि जो टोटल जो 94,000 सीट है, ठीक है, टोटल जो 94,000 सीट है उसका 4% है या उसका 3% है जिसमें कि मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट शामिल है,
ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया था, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको जो है एक शपथ पत्र बिहार गवर्नमेंट का देखने के लिए मिले कि जो है 94,000 शिक्षक बहाली जो थी उसका जो है 4% जो है दिया गया है कि नहीं दिया गया है, या 3% दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और उस 3% या 4% का 36 बंटवारा जो है किस प्रकार से उन ब्लाइंड केस अभ्यर्थियों को या विकलांग व्यक्ति अभ्यर्थियों को किया गया है, और यही सेम प्रोसेस जो है 30,000 के लिए भी उनको देना होगा। ठीक है, तो ये फैसला जो है काफी महत्वपूर्ण रखता है। अगर ये फैसला या जो है केस का जो जजमेंट है वो अगर जो है ब्लाइंड केस अभ्यर्थियों के जो है पक्ष में आता है तो पूरे बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो पूरी जो है ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ब्लॉक होने का मतलब है कि अब ये बिहार शिक्षक बहाली जो है पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी, क्योंकि यहां पर फिर से क्या होगा कि सीटों का बंटवारा करना होगा। अगर जो है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी ये केस जीतते हैं तो सरकार को, बिहार शिक्षा विभाग को पुनः एक बार क्या करना होगा, इन सीटों का बंटवारा करना ही पड़ेगा। और इन सीटों के बंटवारे में अब ये देखा जाएगा कि प्रत्येक नियोजन निकाय की जो सीटें थी उनमें जो है कितनी कितनी सीट परसेंटेज वाइज या रोस्टर के अनुसार कैसे जो है डिवाइड करना है। तो अब जब डिवाइड करने की बात आ जाएगी तो पुनः एक नए सिरे से क्या करना होगा, पूरी गठन प्रक्रिया जो है करनी पड़ेगी। गठन प्रक्रिया इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो टोटल सीटें हैं, चाहे वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की 30,000 सीट हो, और चाहे वो भी रद्द हो जाएगी, 30,000 वाली जो बहाली है ना वो भी जो है फिर रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि ब्लाइंड के अभ्यर्थियों की जीत जो है इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर देगी कि अब बिहार शिक्षा विभाग को दोबारा से क्या करना होगा कि रोस्टर का गठन करना पड़ेगा जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए, और उनकी जो सीटों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से करना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी जो है टेक्निकल पेंच आएंगे, मान लिया कहीं पे 10 सीट है तो 10 सीट का 4% निकालना होगा, फिर 4% को 36 आरक्षण में जो है बांटना होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है ये 36 आरक्षण और रोस्टर पॉइंट को क्लियर करने के लिए, यानी इसका फिर से जो है गठन करने के लिए, गठन करने का मतलब है कि यहाँ पे जो सीटें हैं विकलांग व्यक्ति या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, उनकी सीटों का दोबारा से क्या होगा, मूल्यांकन होगा। दोबारा से मूल्यांकन करने के बाद उनको जो है 36 आरक्षण के अनुसार जो है उनमें डिवाइड किया जाएगा, और उसके बाद साथ में ये भी बताया जाएगा कि जो 94,000 जो टोटल सीट हैं उसमें जो है दृष्टिबाधित के लिए कितनी सीट हैं, ठीक है, और विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी सीट है, क्या आरक्षण का जो रोस्टर जो है पहले से जो मान्य है उसमें कोई बदलाव किया गया है, या ये जो सीटें हैं उसी के अनुसार जो है डिवाइड की गई हैं। तो जब ये सारी प्रक्रिया जो है काम में आएगी तो कहीं ना कहीं जो बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो 94,000 की जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं स्थगित हो जाएगी। स्थगित इसलिए करना पड़ेगा कि जो है ये जो पूरा जो विज्ञापन जो पहले से निकला हुआ था उसमें पहले से सीटें जो है क्लियर की गई थी, और पहले से इसमें जो आरक्षण का जो रोस्टर पॉइंट था वो भी क्लियर कर दिया गया था। और अगर ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी ये सीटें, ये केस जीत जाते हैं तो क्या करना होगा, बिहार शिक्षा विभाग को पुनः एक बार उस पर जो है बैठ के समीक्षा करनी पड़ेगी, और 94,000 सीटें और उसके साथ साथ जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो 30,000 सीटें हैं उनका पुनः से बंटवारा करना पड़ेगा। और जब पुनः से बंटवारा करना पड़ेगा और नए रोस्टर पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि अगर केस जीतने के बाद आता है डिसीजन, तो क्या होगा कि इस पूरी बिहार शिक्षक बहाली का जो विज्ञापन है वही रद्द हो जाएगा। और जब विज्ञापन रद्द हो जाएगा तो आप ही मान के चलिए कि फिर नए सिरे से बहाली को जो है किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, अभी तक तो मैं यही कहता आया था कि जो इससे पहले के जितने भी केस चल रहे थे, ठीक है, चाहे वो सीटेट दिसंबर का केस हो, चाहे डीलेट वाला केस हो, उस पर तो मुझे प्रबल संभावना थी कि वो खारिज हो जाएंगे। ठीक है, उसकी तो मुझे बिल्कुल डेफिनेट था, मैं निश्चित था बिल्कुल कि वो केस जो है खारिज हो जाएंगे। लेकिन ये ब्लाइंड केस वाला जो मैटर है, ये जो है रोस्टर पॉइंट के अनुसार अगर सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं किया गया है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो ये केस बिल्कुल ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी जीत सकते हैं। जी हाँ, ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी, मुझे बिल्कुल बता रहा हूँ 101% संभावना है कि ये केस जो है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी जो है जीत जाएंगे, और जो है बिहार शिक्षा विभाग को जो है हार मान करके दोबारा से इस बिहार शिक्षक बहाली को रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो पिछले जो अभ्यर्थी हैं जिनके जो है मेरिट कम है, उन लोग भी जो है अभी जो नए शिक्षा मंत्री मिले हैं, अभी एक वीडियो नया आया है, तो उससे उसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि वो लोग जो है सीटों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि नई सीटों को इसमें शामिल किया जाए। और एक जो है ये आपका जो सीटेट शिक्षक अभ्यर्थी संघ है वो क्या कर रहा है, इसको रद्द करने की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सारे लोग मिलकर के और बिहार सरकार मिलकर के, शिक्षा विभाग मिलकर के वो क्या करना चाहते हैं, इस बहाली को जो है रद्द करना चाहते हैं। और ये जो रद्द करने की जो चाबी है इनके पास,
ये इनको ब्लाइंड केस से जो है मिल गई है और बिल्कुल ये कंफर्म है कि ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी ये केस जीतेंगे और ये विज्ञापन रद्द हो जाएगा पुराना वाला और नए सिरे से बहाली होगी। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। निगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, टिप्पणी समीक्षात्मक रूप में आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।